अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 6। इसमें हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है उसको स्टडी करेंगे। ये 5 में भी ना चले बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी तो 4 बच्चे हैं क्लास में। एक मिनट वेट कर रहा हूं मैं। ओके जी, लेट्स स्टार्ट। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो प्रोसेसेस होते हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस हैं उनको अपना जो भी टास्क उन्होंने परफॉर्म करना है वो करने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, कहीं से और डाटा की ज़रूरत नहीं है, कहीं से और इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। लेकिन जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं दे नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड डाटा विद अदर प्रोसेसेस। तो जब आपने दूसरे प्रोसेस जो है उनके साथ इंफॉर्मेशन और डाटा जो है उसको शेयर करना है तो इसका मतलब ये है कि एक से ज्यादा प्रोसेस यानी दो या दो से ज्यादा प्रोसेस के दरमियान में कुछ ना कुछ शेयरिंग होनी है। तो ये जो शेयरिंग है, शेयरिंग ऑफ डाटा एंड रिसोर्सेज बिटवीन डिफरेंट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं जी कि ये इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है। अब इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो क्यों, उसकी वजूहत क्या है? सबसे पहले तो ये है कि इंफॉर्मेशन की शेयरिंग या डाटा की शेयरिंग। अब ये दो तरह से हो सकती है कि या तो ये हो कि आपके पास अगर दो प्रोसेसेस हैं ए और बी, तो उनमें से ए जो है वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस करता जा रहा है और बी कंज्यूम करता जा रहा है। तो ये एग्जाम्पल है वन वे कम्युनिकेशन। दूसरा ये है कि दोनों ही एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर रहे हैं, यानी दोनों ही प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, दोनों ही कंज्यूम। उसके बाद है कंप्यूटेशन स्पीड अप। कंप्यूटेशन स्पीड अप किस तरह से हो सकती है इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन से, कि अगर एक काम परफॉर्म करना है उसको दो हिस्सों में आप तोड़ लेते हैं, एक जो है वो प्रोसेस ए परफॉर्म कर रहा है, दूसरे को प्रोसेस बी परफॉर्म कर रहा है। लेकिन चूंकि वो एक ही जो है वो काम के एक ही काम कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डाटा, तो उनके दरमियान जो है वो डाटा शेयरिंग जो है वो किसी ना किसी तरीके से होनी। उसके बाद है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी का मतलब ये है कि आप अपने काम को जो है वो डिफरेंट मॉड्यूल्स में तोड़ लेते हैं। इसको भी कंप्यूटेशन स्पीड अप के ही कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस कर सकते हैं इसको भी और कन्वीनियंस को भी, कि अगर आप जो है वो आपने फॉर एग्जांपल जो है वो एक डाटा है वो काफी बड़ा डाटा सेट है, उसके ऊपर आपने जो है वो एवरेज भी कैलकुलेट करनी है, मीन भी कैलकुलेट, एवरेज और मीन तो एक ही चीज है, और उसके बाद आपने मीडियन जो है वो भी कैलकुलेट, तो आप जो है वो एवरेज कैलकुलेट जो है उस डाटा के ऊपर एक प्रोसेस में करते हैं, मीडियन जो है वो दूसरे प्रोसेस में करते हैं। तो इससे क्या होगा कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ जाएगी, यानी कि अगर आपके पास जो है वो मीडियन को कैलकुलेट करने में कोई मसला आ रहा है तो आप सिर्फ उसी प्रोसेस के कोड को जाके देखें, और इससे जो है वो आपको एक कन्वीनियंस भी मिल जाती है, आपको एक सेपरेशन ऑफ कंसर्न भी मिल जाता है।
अब जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है उसके तरीके क्या है? मेनली दो उसके जो मेथड्स हैं वो यूज होते हैं, एक है शेयर्ड मेमोरी और दूसरा है मैसेज पासिंग। इन दोनों को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि शेयर्ड मेमोरी से आप कैसे जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं और मैसेज पासिंग से कैसे कर सकते हैं। तो ये एक पिक्टोरियल डायग्राम है शेयर्ड मेमोरी सिस्टम की। इसमें आप ये देख सकते हैं कि एक प्रोसेस ए है और एक प्रोसेस बी है। ये दोनों जो हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और कम्युनिकेट किस तरह से कर रहे हैं, ये शेयर्ड मेमोरी के जरिए कर रहे हैं। अब ये शेयर्ड मेमोरी का जो फ्रेगमेंट है, ये एक ऐसा फ्रेगमेंट है जिसको प्रोसेस ए भी रीड और राइट कर सकता है, जिसको प्रोसेस बी जो है वो भी रीड और राइट कर सकता है। यानी ये प्रोसेस ए की एड्रेस स्पेस में भी मौजूद है और प्रोसेस बी की एड्रेस स्पेस जो है उसमें भी मौजूद है। उसके बाद जो मैसेज पासिंग वाला है, उसमें आप ये देखें कि यहाँ पे प्रोसेस ए है, यहाँ पे प्रोसेस बी है। तो इन्होंने जब आपस में कम्युनिकेट करना है तो ये एक मैसेज क्यू इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। इस मैसेज क्यू में जो है वो मैसेजेस जो है वो भेजे जा रहे हैं। अब ये जो है कम्युनिकेशन, इसके डिफरेंट जो है वो वेरियंट्स हैं कि जो कम्युनिकेशन है मैसेज पासिंग के जरिए, वन वे भी हो सकती है, ये टू वे भी हो सकती है, ये हाफ डुप्लेक्स भी हो सकती है, ये फुल डुप्लेक्स भी हो सकती है। ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को हम वहां पे जाके डिस्कस करेंगे जब हम इसकी डिटेल्स जो है वो पढ़ रहे होंगे। उसके बाद है जो इंटर प्रोसेस सर ये कम्युनिकेशन। लास्ट स्लाइड थोड़ी सी शॉर्टली रिपीट कर दे, मैं समझ। इसमें मैंने जो है शेयर्ड मेमोरी को रिपीट करना है या दोनों को करना है या मैसेज पासिंग को वाली करना नहीं, पर है? जी, पीछे वाली, इससे लास्ट मैंने इससे नेट जो इशू था, मैं सुन रही लास्ट सर वो स्लाइड में हमने ये देखा था कि जो प्रोसेस हैं वो इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और कोऑपरेटिंग भी हो सकते हैं। इंडिपेंडेंट हैं तो उनको कोई इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन नहीं चाहिए, अगर वो कोऑपरेटिंग है तो देन नीड टू शेयर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन या डाटा आर इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज जो है उनको शेयर करनी पड़ सकती है। अब वो शेयरिंग के जो रीजंस क्या क्या हो सकती हैं कि उन्होंने इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कि एक प्रोसेस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है दूसरा कंज्यूम कर रहा है, या दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों कंज्यूम कर रहे हैं। कंप्यूटेशन स्पीडअप कैसे हो सकता है? कंप्यूटेशन स्पीडअप ऐसे हो सकता है कि आपने डिफरेंट काम जो है वो डिफरेंट प्रोसेस को दिया है। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने क्रोम ब्राउजर जो है उसकी एग्जाम्पल पढ़ी थी कि वो मल्टी प्रोसेस है। उसमें एक ब्राउजर होता है जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करता है नेटवर्क के साथ, डिस्क के साथ, आईओ के साथ। उसके बाद एक रेंडरर होता है जिसका काम ये है कि सिर्फ उसने एचटीएमएल को रेंडर करना है आपके। उसके बाद मॉड्युलैरिटी में भी आप उसी एग्जांपल जो है उसको देख सकते हैं कि जो मॉड्युलैरिटी का मतलब ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न, आप जो डिफरेंट फंक्शनैलिटी है उसको डिफरेंट प्रोसेस में रख रहे हैं और उनको आपस में कम्युनिकेट करवा रहे हैं टू अचीव अ बिगर गोल। इसी तरह अगर इसमें भी हम उसी जो क्रोम का ब्राउजर है उसकी एग्जांपल ले लें, तो उसमें हमारा पर्पस क्या होता है कि हम जो है वो वेब पेजेस जो है उनको ओपन कर सके, उनके साथ इंटरेक्ट कर सके। अब उसमें जो रेंडरर प्रोसेस था वो, उसका काम सिर्फ एचटीएमएल को लेना है, HTML को रेंडर करना है आपके लिए, उसके ऊपर जो स्टाइलिंग है उसको अप्लाई करना है, जावास्क्रिप्ट को अंडरस्टैंड करना है। लेकिन रेंडरर जो है वो इटसेल्फ जो है वो HTML को वेब सर्वर से फेच करके नहीं ला सकता, यानी नेटवर्क से वो नहीं लेके आ सकता। वो नेटवर्क से लेके आने का काम जो है वो ब्राउजर प्रोसेस का है। ब्राउजर प्रोसेस वहां से जो है वो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जो है वो फेच करके लाएगा और वो इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा रेंडरर प्रोसेस को। ठीक है, रेंडरर प्रोसेस को जब वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो वो उसको जो है वो आपके लिए रेंडर कर देगा। इसी तरह से कन्वीनियंस है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न जब हो जाती है तो आपके लिए चीजें जो है उनको मैनेज करना, कोड को मेंटेन करना जो है वो आसान हो जाता है। उसके बाद हमने ये देखा कि जो इसके मैकेनिज्म है वो दो हैं, एक शेयर्ड मेमोरी का है और एक मैसेज पासिंग जी का है। शेयर्ड मेमोरी के बारे में हमने ये देखा है कि प्रोसेस ए और बी ने अगर शेयर्ड मेमोरी से कम्युनिकेट करना है तो एक एरिया है उनके दरमियान जो कि दोनों की एड्रेस स्पेस में मौजूद है। इस एरिया को प्रोसेस ए जो है वो भी एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस बी भी कर सकता है। तो इस शेयर्ड एरिया में रीडिंग और राइटिंग के जरिए वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो है उसको पास ऑन करता है। दूसरा
दूसरा तरीका है मैसेज पासिंग का, उसमें प्रोसेस ए और बी जो है उस एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो मैसेजेस जो है वो एक्सचेंज करते हैं विद सम विद इन सम मैसेज क्यू। अब मैसेज पासिंग जो है इसके भी डिफरेंट ओके यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? जी सर। ओके नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है वो क्या है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक प्रोसेस है जो कि डाटा को प्रोड्यूस कर रहा है और दूसरा प्रोसेस वो है जो कि डाटा को कंज्यूम कर रहा है। अब इसमें शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में जब हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है वो करवाते हैं प्रोड्यूसर की और कंज्यूमर की, तो उसमें दो तरीकेकार होंगे कि एक एक देन दो ऑप्शंस होंगे या वेरिएशंस होंगी कि एक में आपके पास अनबाउंडेड बफर है, दूसरे में आपके पास बाउंडेड बफर है। अब जब आपके पास अनबाउंडेड बफर होगा तो प्रोड्यूसर जो है उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, यानी जैसे ही उसने नया आइटम प्रोड्यूस कर दिया वो बफर के अंदर रख देगा, लेकिन कंज्यूमर जो है उसको वेट करना पड़ेगा अगर आपका बफर जो है वो एम। अगर हमारे पास बफर जो है वो बाउंडेड होगा, यानी हम अगर दूसरे ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है उसको वेट करना पड़ेगा जब बफर जो है वो फुल हो गया, और कंज्यूमर को उसी तरह से वेट करना पड़ेगा अगर बफर जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई डाटा नहीं है। शेयर्ड मेमोरी आईपीसी, इसमें आप ये देखते हैं कि जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि एक एरिया है जो कि शेयर्ड होता है दोनों प्रोसेस के दरमियान या उन प्रोसेस के दरमियान जो कि आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, और ये जो कम्युनिकेशन है वो यूजर प्रोसेस खुद कर रहे होते हैं, इसमें यूजुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता। अब इसमें जो इशूज क्या क्या आ सकते हैं जिनको हैंडल किया जाना चाहिए, एक वो मैकेनिज्म है कि इनको सिंक्रोनाइज करना है, लाइक जिस तरह अभी हमने जो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम जो है उसकी बात की है। अब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब जो है वो हम जो है उसको देख लेते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन का मतलब अगर हम उसी एग्जांपल में देखें तो उसका मतलब ये है कि कंज्यूमर जो है वो एक डाटा को कंज्यूम करने की कोशिश ना करे जब तक कि वो प्रोड्यूस नहीं हो चुका बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि सिंक्रोनाइजेशन का यहाँ पे मतलब ये होगा कि कंज्यूमर जो है उस वक्त तक डाटा को कंज्यूम करने की कोशिश ना करे शेयर डाटा को जब तक के प्रोड्यूसर ने वो डाटा प्रोड्यूस नहीं कर लिया। अब ये सिंक्रोनाइजेशन और इसकी जो एल्गोरिदम्स हैं ये चैप्टर 6 और 7 में आएंगी, वहां पे जाके हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे कुछ सोर्स कोड आ गया है। ये जो शेयर डाटा है उसका डाटा स्ट्रक्चर है, यानी जिन डाटा स्ट्रक्चर के साथ डाटा जो है वो शेयर होना है उनकी एग्जाम्पल है जो कि दोनों प्रोसेस के दरमियान जो है वो कॉमन है। एक तो वो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में वो चीजें आ जाती हैं कि आपने जो है वो आइटम अगर एक शेयर करना है तो उस आइटम में क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक अगर ये आइटम जो है ये स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसमें मैं क्या क्या आइटम रख सकता हूँ, उसमें मैं नेम रख सकता हूँ, उसमें मैं रोल नंबर रख सकता हूँ, उसमें मैं आपके जो सब्जेक्ट रोल आपने किए हुए हैं वो रख सकता हूँ, और जो भी स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं रख सकता हूँ। साथ ही यहाँ पे एक बफर साइज का जो कांस्टेंट है वो डिफाइन किया गया और उसकी वैल्यू 10 रखी गई है, ये वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद बफर साइज टाइप का एक बफर बनाया गया, ठीक है, और ये बफर जो है इसको किस तरह से बनाया गया, यानी किस डाटा स्ट्रक्चर को यूज करते हुए बनाया गया, आपने C++ पढ़ी है, सी भी तकरीबन उससे मिलती जुलती है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने अरे बनाई हुई है, यानी आपने बफर नाम की एक अरे बनाई है जिसकी टाइप आइटम है और आइटम इटसेल्फ क्या है वो एक स्ट्रक्चर है, और इसका साइज जो है वो कितना है 10। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक वेरिएबल है इन का जिसको आपने 0 सेट किया हुआ है, एक वेरिएबल है आउट का जिसको आपने 0 सेट। अब ये जो सोल्यूशन है ये करेक्ट है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट्स को अकोमोडेट कर सकता है, ये बफर साइज -1 एलिमेंट्स जो है उनको अकोमोडेट कर सकता है, लाइक अगर हमारे पास 10 एलिमेंट्स का बफर बनाया हुआ है तो
तो उसमें एक टाइम में एट द सेम टाइम जो है वो 9 एलिमेंट्स आ सकते हैं, 9 से ज्यादा नहीं आ सकते। इस चीज को अभी हम नहीं समझ सकते जब तक कि हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का कोड जो है उसको ना देख लें। इस चीज को सिर्फ आप ध्यान में रखें, इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करूंगा कि ये बफर साइज -1 जो है वो कैसे हो सकते हैं। आप सिर्फ ये देखें कि ये वाला जो कोड है, जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, कोड शेयर जो डाटा शेयरिंग के लिए जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्या इनकी समझ आ गई आपको? इसमें तो कोई मसला नहीं है आपको? नो सर। चलें ठीक है, फिर हम जो है वो प्रोड्यूसर के कोड की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ये प्रोड्यूसर का कोड। अब प्रोड्यूसर क्या करता है कि नेक्स्ट आइटम जो है वो प्रोड्यूस करता है। अब भाई हमें ये कंसर्न नहीं है कि वो कैसे प्रोड्यूस करता है, क्या पीस ऑफ कोड है जिससे जो नेक्स्ट आइटम है प्रोड्यूस किया जा रहा है। हमने जो उसका शेयरिंग का जो मैकेनिज्म है, जो उसको मेमोरी में रखने का मैकेनिज्म है, उसको देखना है। जब उसने नेक्स्ट आइटम जो है प्रोड्यूस कर लिया तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि वाइल ट्रू, यानी वो इनफाइनाइट लूप, यानी वाइल ट्रू का मतलब ये है कि लूप की कंडीशन जो है हमेशा ट्रू रहेगी। जब तक हम इसको लूप को ब्रेक नहीं करेंगे, ये लूप इनफाइनाइट चलता रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वो वाइल में ही चेक कर रहा है कि इफ इन +1% बफर साइज इज इक्वल टू आउट, तो यहाँ पे इसकी बॉडी में क्या है, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है, सिर्फ सेमी कॉलन लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये लूप जो है ये एग्जीक्यूट करता रहेगा, यानी ये इसी लाइन के ऊपर फंसा रहेगा, बार बार यहीं पे एग्जीक्यूट करता रहेगा। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये क्या करेगा कि बफर इन के अंदर नेक्स्ट प्रोड्यूस रख देगा और इन को सेट कर देगा इन +1% बफर साइज के ऊपर। तो ये मैंने थोड़ी सी कोड की डिस्क्रिप्शन दी। अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। शुरू में हमारे पास, हमने ये देखा कि जो इन वेरिएबल है उसका साइज क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, जब हमने लास्ट स्लाइड में उसको डिक्लेयर किया उसकी वैल्यू थी 0। अब हमने जो आउट का वेरिएबल था उसकी वैल्यू हमने क्या देखी थी, आउट जो है वो भी 0 के बराबर है। इससे इन दोनों वेरिएबल्स को देख के अपने लूप की कंडीशंस चेक करें। इन +1 जब होगा तो क्या हो जाएगा, 1% बफर साइज, बफर साइज कितना है 10, तो 1% 10 जो 1 के बराबर आता है। क्या ये आउट के बराबर है, आउट की वैल्यू 0 है, यानी इन +1% बफर साइज जो है वो 1 के बराबर आ जाएगा और आउट जो है वो 0 के बराबर है, तो ये कंडीशन जो है ये फॉल्स हो गई। ठीक है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है तो इसका मतलब ये है कि हम इस लूप से निकल जाएंगे। लूप से निकल जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि बफर इन के ऊपर, यानी बफर 0 के ऊपर जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम जो है वो हम रख देंगे, और साथ ही हम ये करेंगे कि इन को इन +1% बफर साइज कर देंगे, यानी इन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 +1 1% 10% 10 जब हम उसको करेंगे तो वो फिर भी 1 ही रहेगी। तो यहाँ पे जब एक आइटम प्रोड्यूस हो गया तो इन की वैल्यू जो है वो 0 से 1 हो गई, और एक आइटम जो था वो हमने 0 के ऊपर रख दिया, आउट की वैल्यू अभी तक जो है वो 0 है। ये जो एग्जांपल हमने की ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर, ये हेलो, लास्ट इन इज इक्वल टू इन +1। देखें सेकंड लास्ट लाइन का पता लग गया ना कि आपने बफर 0 में नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम रख दिया। ये बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सेकंड लास्ट लाइन जो थी, यहां तक आपको पता चल गया था कि इसमें इस लाइन में हमने ये किया था कि बफर इन में, यानी बफर 0 में नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम जो है उसको रख दिया था। और नेक्स्ट लाइन में हम सिंपली ये कर रहे हैं कि इन को, इनकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, इनको इन +1 कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम कोई आइटम जो है वो प्रोड्यूस करें तो उसको 0 पे ना रखें बल्कि उसको 1 पे रखें। ठीक है, और यस सर। परसेंटेज परसेंटेज बफर साइज करने का सिर्फ ये मकसद है कि जब आपकी वैल्यू जो है वो 9 से बढ़ जाएगी तो परसेंटेज करके आप उसको दोबारा 0 पे ले आए।
ठीक है, यानी आपकी वैल्यू जब 10 हो जाएगी, इन प्लस वन जो है वो 10 हो जाएगा, तो बफर साइज से उसको अगर हम मॉड्यूल जो है वो मॉड कर रहे हैं, तो वैल्यू, वो वैल्यू जो है रिमाइंडर लेने के बाद क्या हो जाएगी, दोबारा वो जीरो हो जाएगी, यानी उसको आप सर्कुलर बना रहे हैं। तो क्लियर हुआ ये? ओके, तो यहाँ पे डिस्कनेक्शन था मेरे पास, लेकिन जो चीज हमने यहाँ पे डिस्कस की है उसमें अभी भी किसी को मसला है तो दोबारा पूछ ले। क्लियर है सब लोगों को? चलें फिर हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डू नथिंग क्यों लिखा है जी? डू नथिंग जो है वो अगर आप देखें तो वो कमेंट के अंदर लिखा हुआ है। अरे डू नथिंग क्यों लिखा है इसमें? डू नथिंग इसलिए लिखा हुआ है कि ये कमेंट में लिखा हुआ है, तो इस ये होगा कैसे डू नथिंग? डू नथिंग इस तरीके से होगा कि जब आपका ये लूप की कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तो उसमें क्या होता है, इसको आप समझ लें कि लूप की जो बॉडी है वो इस तरह से है, यानी यहाँ पे शुरू हो जाती है और यहाँ पे खत्म हो जाती है, यानी एम्प्टी बॉडी है। तो जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, ये एम्प्टी बॉडी एग्जीक्यूट करती रहेगी। इसका मतलब ये है कि यू आर डूइंग नथिंग, एक्चुअली यू आर जस्ट वेटिंग। ये क्लियर हुआ? जी बेटा, ये डू नथिंग का जो है वो क्लियर हुआ आप लोगों को? सर आपकी आवाज कट रही थी, कुछ समझ नहीं आई। अच्छा मैं दोबारा बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लूप जो है इसके फौरन बाद ये आपको सेमीकोलन नजर आ रहा है? सर व्हाइल से स्टार्ट कर दी। जी सर। अब ये जो सेमीकोलन है इसका मतलब क्या है? व्हाइल लूप की बॉडी कहाँ तक है? ये ऐसे ही है जैसे मैं ये सेमी कॉलन जो है इसको रिमूव कर दूं और यहाँ पे मैं ये एम्प्टी बॉडी जो है इस लूप के साथ अटैच कर दूं। ठीक है, यहां तक कंफ्यूजन तो नहीं है? अपने सी प्लस प्लस के कोर्स में आपने पढ़ा होगा कि अगर आप इफ कंडीशन जो है उसके बाद ब्रैकेट नहीं लगाते तो उसका स्कोप कहां तक होता है? नेक्स्ट सेमी कॉलन तक होता है। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? जी सर पढ़ा था। इसी तरह आपके जो लूप्स हैं, वाइल है, फॉर है, उसमें भी अगर आप अपनी कंडीशन के बाद जो है वो सेमीकोलन लगा देते, यानी आप अपनी जो कंडीशन है उसके बाद ब्रैकेट्स नहीं लगाते, तो उसका स्कोप जो है, उसका स्कोप भी जो है वो नेक्स्ट सेमीकोलन तक होता है। ये भी याद है? जवाब देना बेटे। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। चलें फिर इस तरह करते हैं कि इस लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इस लेक्चर को मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा आपके लिए कर दूं। एक मिनट रुके जरा, मुझे टाइम एक दफा देखने दें कि टाइम हमारे पास कितना रह गया। थर्टी मिनट्स पढ़े हैं, मैं एक दफा इसको दोबारा ट्राई करता हूँ कि अगर मेरा इंटरनेट जो है वो स्टेबल हो जाए।
अभी देखिए जरा आपको आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही। आ रही है सर। अच्छा तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जो लूप की कंडीशन है उसके बाद अगर हम सेमी कॉलन लगा देते हैं, ये तो हम शायद कंज्यूमर प्रोसेस में आ गए। हमने बेसिकली इसको देखना था, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लूप के फौरन बाद यानी उसकी कंडीशन के फौरन बाद जो है वो सेमी कॉलन लगा देते हैं तो उसका स्कोप जो है यहाँ पर तक रहेगा, यानी जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तो हम यहाँ पे फंसे हुए रहेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्चुअली कोई काम नहीं कर रहे। अब हमें ये देखना है कि ये कंडीशन कब ट्रू होगी। हमने ये देखा था इनको मैं आई कह रहा हूँ और आउट को मैं जो है वो कह रहा हूँ। शुरू में हमने ये देखा था कि आई की वैल्यू भी जीरो है और ओ की वैल्यू जो है वो भी जीरो है। अब ये सपोज करें कि आई जो है उसकी जब आप एक आइटम प्रोड्यूस करेंगे तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन, ठीक है। उसके बाद दोबारा एक आइटम प्रोड्यूस करेंगे, आई की वैल्यू टू हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। फाइनली जब आई की वैल्यू एट हो जाती है तो तब आप करें, यानी अभी हमने कंज्यूमर का कोड नहीं चलाया, हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो भी आइटम हमने प्रोड्यूस की है वो अभी तक जो है वो हमारे पास उसी बफर के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। कंज्यूमर ने उसको कंज्यूम नहीं किया, आई की वैल्यू जो है वो एट हो गई है। उसके बाद जब हम नेक्स्ट आइटम प्रोड्यूस करेंगे आई की वैल्यू जो है वो नाइन हो जाएगी, ठीक है। यानी आई जीरो से लेकर आई एट तक जो है वो हमने आइटम्स जो है वो रख दी है और आई की करंट वैल्यू जो है वो नाइन है, यानी इनकी जो करंट वैल्यू है वो नाइन है। उसके साथ हम जो है वो लूप को चलाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, आप ये देखेंगे कि इन प्लस वन यानी नाइन प्लस वन परसेंटेज बफर साइज कितना बनेगा, यानी इन प्लस वन नाइन प्लस वन टेन बन जाएगा, परसेंटेज बफर साइज करेंगे तो जीरो बन जाएगा। तो जीरो इज इक्वल टू आउट, तो आउट की वैल्यू क्या है वो अभी तक जीरो है क्योंकि कंज्यूमर ने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, ठीक है। तो जीरो इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और हम यहाँ पे फंसे रहेंगे जब तक के कंज्यूमर का कोड जो है वो आउट की वैल्यू को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। कंज्यूमर का कोड आउट की वैल्यू को जैसे चेंज करेगा वो हम देख लेते हैं। ये क्लियर हुआ? अच्छा, इसमें आप एक दूसरी चीज भी जो है उसको भी नोट कर सकते हैं कि जो आई यानी इन की वैल्यू जब नाइन थी तो हमने उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, हम सिर्फ यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यानी ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई फॉर द वैल्यू ऑफ इन इज इक्वल टू नाइन, जबकि हमने जीरो से लेकर एट तक जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम जो है वो रख चुके हैं, ठीक है। नाइन के ऊपर हम आइटम जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम जो है उसको नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते कि हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू रहती है और हम इसी लूप में फंसे रहते हैं। तो यही वो बात थी जो प्रीवियस स्लाइड पे लिखी हुई थी कि इस मैकेनिज्म के तहत आप जो है मैक्सिमम बफर साइज माइनस वन जो आपके पास लोकेशंस हैं उनको यूज कर सकते हैं, एक लोकेशन जो होगी वो आपकी यूजफुल नहीं होगी, उसमें डाटा आप नहीं रख पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम चल जी सर, क्लियर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि कंज्यूमर का कोड क्या, वाइल इन इज इक्वल टू आउट, तो यहाँ पे भी वही सेमी कॉलन देखें, यानी
इन इज इक्वल टू आउट होगा तो आप यहीं पे वेट करते रहेंगे, आप कुछ भी रीड नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है इस कंडीशन का कि जो प्रोड्यूसर है उसने अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, ठीक है। तो अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट कंज्यूम जो है उसको बफर से रीड करेंगे, बफर आउट्स, ठीक है, और आउट की वैल्यू को एक बढ़ा देंगे, आउट इज इक्वल टू आउट प्लस वन। और ये परसेंटेज बफर साइज का आपको पता है कि ये आप क्यों करते हैं, ठीक है। ये आप इसलिए करते हैं कि अगर उसकी वैल्यू जो है वो 9 से बढ़ जाए तो आप मॉड लेके उसको वापस 0 के ऊपर ले, तो ये एक तरह से सर्कुलर बफर टाइप जो है वो चीज बन जाती है। तो अगर हम इनिशियल सेटअप में देखें, जब हमारे पास जो प्रोड्यूसर है उसने कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया और कंज्यूमर जो है उसने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो इनकी वैल्यू भी 0 है, आउट की वैल्यू भी 0 है, तो ये जो आपके पास लूप है ये ट्रू रहेगा कंडीशन, और आप यहाँ पे कुछ भी नहीं करें। जैसे ही आपका प्रोड्यूसर जो है वो कुछ प्रोड्यूस करेगा, वो इनकी वैल्यू को इंक्रीज कर देगा, इनकी वैल्यू 1 हो जाएगी या 2 हो जाएगी या 3 हो जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन के जितने आइटम्स जो है उसने प्रोड्यूस किए हुए हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कंडीशन फॉल्स होगी और हम बफर में से कोई आइटम जो है उसको कंज्यूम करेंगे, और अकॉर्डिंगली जो आउट है, आउट का मतलब ये है कि जहां से कंज्यूमर ने नेक्स्ट एंट्री जो है उसको रीड करना है, तो आउट की वैल्यू जो है उसको हम एडजस्ट कर देंगे। ये क्लियर है बेटे सब लोगों को? जी सर। अच्छा, 5 मिनट रह गए, उसके बाद आपने दोबारा उसी लिंक को रिकनेक्ट करना है। ओके सर। अच्छा, यहाँ पे वही चीज जो है वो इसको डिस्कस कर रहा है कि जो इन और आउट के पैरामीटर के साथ हम चल रहे हैं उससे होगा क्या है कि उससे आप कभी भी बफर जो है वो फुल नहीं कर सकेंगे, उसमें एक एंट्री जो है वो हमेशा आपको खाली रखनी पड़ेगी। अब इस मसले को अगर एड्रेस करना है, आप ये चाहते हैं कि आपका बफर जो है वो साइज 10 का है तो आप 10 आइटम जो है उस पर रख सकें, आपको कोई आइटम जो है वो खाली ना छोड़ना पड़े, तो उसके लिए आप एक जो है वो नया वेरिएबल बना सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल काउंटर है, काउंटर जो है वो उसको आप इनिशियली 0 पे सेट करते हैं, जैसे ही प्रोड्यूसर नया आइटम प्रोड्यूस करता है तो आप काउंटर को इंक्रीज कर देंगे, जैसे ही कंज्यूमर एक आइटम जो है उसको कंज्यूम करता है तो आप काउंटर को जो है वो डिक्रीमेंट कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे। अब इसका कोड देखते हैं और उसमें बाद में जो है वो ये भी देखेंगे कि इससे मसला जो है वो क्या हो सकता है। अच्छा, काउंटर के साथ जो है वो प्रोड्यूसर का कोड कैसे होगा, वो ये होगा, यानी वाइल ट्रू जो है कि आप इनफाइनाइटली प्रोड्यूस करने के बाद चीजें कर रहे हैं, कि अगर काउंटर जो है बफर साइज के बराबर है, यानी बफर साइज भी 10 था काउंटर भी 10 है, तो उसका मतलब ये है कि बफर में आपके पास ऑलरेडी 10 एंट्रीज मौजूद हैं, 10 आइटम्स मौजूद हैं, तो आप उसमें नई कोई चीज नहीं रखेंगे। तो अगर ऐसा नहीं है, यानी काउंटर जो है वो बफर साइज के बराबर नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे कि बफर इन के ऊपर जो है वो नेक्स्ट प्रोड्यूस आइटम रख देंगे और इनका जो पॉइंटर है इनकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीज करेंगे और उसको परसेंटेज कर देंगे बफर साइज के मुताबिक। साथ ही आप ये भी करेंगे कि काउंटर की वैल्यू जो है उसको भी इंक्रीज कर देंगे टू इंडिकेट कि आपने एक नई आइटम जो है वो प्रोड्यूस कर दी हुई, ठीक है। क्लियर है यहां तक? किसी को कोई मसला है यहां तक? चलिए फिर मैं नेक्स्ट जो सेक्शन है उसकी तरफ चलता हूँ, जिसमें हम कंज्यूमर के कोड को देखेंगे। अब कंज्यूमर का कोड जो है वो ये क्या चेक कर रहा है कि वाइल काउंटर इज इक्वल टू 0 डू नथिंग, यानी अगर काउंटर 0 होगा इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर जो है उसने अभी तक कुछ प्रोड्यूस नहीं किया, या जो कुछ प्रोड्यूस किया जा चुका था वो हमने कंज्यूम कर लिया। तो अगर काउंटर की वैल्यू 0 नहीं होगी तो तभी हम इस स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे। तो हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट कंज्यूम्ड जो है उसको बफर से रीड कर लेंगे, आउट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे जो उसका पॉइंटर है, और उसको परसेंटेज कर देंगे बफर साइज से, और काउंटर की वैल्यू को 1 माइनस करेंगे, काउंटर माइनस माइनस करेंगे। उससे होगा क्या कि आप ये बता रहे हैं कि जितनी वैल्यूज प्रोड्यूस की जा चुकी थी उसमें से 1 वैल्यू हमने कंज्यूम कर ली है और 1 नई वैल्यू उसमें डाली जा सकती। अब ये जो सोल्यूशन है इससे अगर आप इसको ड्राई रन करके देखें, इसका आप प्रोग्राम लिखना चाहें, तो इसमें आप पूरी की पूरी जो 10 एंट्रीज हैं उनको जो है वो उनको यूज कर सकते हैं, जो बफर के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उनको यूज कर सकते हैं।
लेकिन इसमें एक जो है वो प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है इसको भी हमें डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है जी सर? अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये हो सकता है कि जो मेमोरी लोकेशंस हैं उनके ऊपर जो भी काम होना है तो यूजुअली वो एटॉमिक ऑपरेशन नहीं होता। एटॉमिक ऑपरेशन का मतलब ये है कि एक ऐसा ऑपरेशन जिसके दरमियान में कोई दूसरा ऑपरेशन इंटरफेयर ना करे, ठीक है? तो ये यूजुअली एटॉमिक ऑपरेशन नहीं होते। तो बेसिकली हमारा जो शेयर डाटा है, शेयर डाटा में जो हमारा प्रोड्यूसर है वो ये कर रहा है काउंटर प्लस प्लस, हमारा कंज्यूमर जो है वो ये कर रहा है काउंटर माइनस माइनस। अब लो लेवल पे या असेंबली के करीब जाके, ये तकरीबन ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं ये असेंबली लैंग्वेज के करीब तर इंस्ट्रक्शन। तो इसमें एक्चुअली एग्जीक्यूशन कैसे होती है कि रजिस्टर वन जो है यानी सीपीयू के किसी रजिस्टर में आप काउंटर की वैल्यू जो है उसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप रजिस्टर की वैल्यू जो है उसको इनक्रीज करते हैं, और फिर आप ये करते हैं कि काउंटर जो है उसमें रजिस्टर की वैल्यू को दोबारा लिख देते हैं, ठीक है? यानी रजिस्टर में काउंटर की वैल्यू को कॉपी किया, रजिस्टर को एक इंक्रीमेंट किया और वापस वैल्यू जो है वो काउंटर में है। इसी तरह जो काउंटर माइनस माइनस है वो कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है कि रजिस्टर टू जो है उसमें काउंटर को रीड कर लिया, रजिस्टर टू की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दिया और काउंटर की वैल्यू में रजिस्टर टू जो है उसको दोबारा कॉपी कर दिया। अब इससे मसला क्या होगा? अगर हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरलीविंग ऑफ द इंस्ट्रक्शंस है कि काउंट जो था वो इनिशियली फाइव था और उसके बाद हमारे पास जो पहला प्रोसेस है प्रोड्यूसर उसने कहा जी कि रजिस्टर इज इक्वल टू काउंटर, यानी रजिस्टर वन में काउंटर की वैल्यू रख दी है, उसको एक इंक्रीमेंट कर दिया, तो इसमें इस वक्त काउंटर की वैल्यू जो है वो सिक्स हो गई है। मीनवाइल साथ ही कंज्यूमर प्रोसेस जो है वो भी एग्जीक्यूट कर रहा है, और कंज्यूमर प्रोसेस जब कर रहा है तो वो रजिस्टर टू में काउंटर की वैल्यू ले रहा है। तो अभी तक जो काउंटर की वैल्यू मेमोरी में है वो कितनी है? वो फाइव ही है, ठीक है? तो रजिस्टर टू की वैल्यू क्या होगी? वो फाइव होगी। उसके बाद हम रजिस्टर टू को क्या कर रहे हैं कि उसको एक